Haven, fully furnished studio apartments at Nehru Coco Beach, North Goa, starting from 62 lakhs, get a short rental up to rupees 20,000. Terms and conditions apply. तो इस बार जैसे कि आपने बोला हमारा 53rd इफी है और साथ ही साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इस बार खास ये रहेगा कि एक तो फुल फिज़िकल मोड में इफी दोबारा वापस आ रहा है, दो साल के हाइब्रिड मोड के बाद जो कि कोविड पैंडमिक की वजह से हमने किया था क्योंकि रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा नंबर ऑफ़ पीपल। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इस बार बहुत ज़्यादा डेलीगेट्स होंगे, ज़्यादा मीडिया प्रेजेंस होगा, ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगा। 282 मूवीज़ फ्रॉम 79 कंट्रीज़ हम दिखा रहे हैं तो उसमें बहुत एक एक्लेक्टिक कलेक्शन है। इन एडिशन टू दिस वी आर ऑल्सो डूइंग अ लॉट ऑफ होमेज। हम 50 साल ऑफ मणिपुरी मूवी इंडस्ट्री भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसी तरीके के बहुत सारे हमारे स्पेसिफिक ट्रिब्यूट्स भी हैं इस बार। साथ ही साथ इस बार हमने बहुत सारे गाला प्रीमियर्स किए हैं। तो इस तरीके से होता था कि पहले इफ़ी में बहुत सारी मूवीज़ प्रीमियर नहीं हो पाती थी, जैसे इंडियन एक प्रीमियर हो रहा है, वर्ल्ड प्रीमियर हो रहा है। तो अब जैसे भेड़िया जो कि वरुण धवन एंड प्रीति सैनन की मूवी भी आने वाली है तो उसका हम प्रीमियर कर रहे हैं। साथ ही साथ दृश्यम 2 वॉट विद स्टार्स, अजय देवगन एंड द स्टार कास्ट तबू विल जॉइन हियर एंड पार्टिसिपेट इन द स्क्रीनिंग ऑफ द मूवी। इसी के साथ जैसे गोल्डफिश, स्टोरी टेलर, ऐसी बहुत सारी इंडियन मूवीज़ प्रीमियर होंगी। साथ ही साथ कुछ वर्ल्ड प्रीमियर्स भी प्लान्ड हैं। बावजूद उसके, ये तो फिल्मों के बारे में हो चुका है जी, उसके अलावा और सारी एक्टिविटीज होती है जैसे कि मास्टर क्लास होती है जी, जी फिल्मों के बारे में जी, कोर्सेज होते हैं जी। तो इस बार कुछ 20 मास्टर क्लासेस का प्लान है और कुछ इन कॉन्वर्जेशंस भी हैं फेमस पर्सनालिटीज़ के साथ मास्टर क्लासेस में। ज़्यादा आपको अगर डिटेल चाहिए तो पूरा आईफी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, पर अनुपम खेर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे बड़े कलाकार आ रहे हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट उसमें जॉनर्स में आपको मास्टर क्लास देंगे, जैसे एडिटिंग हो गया, एक्टिंग हो गया, इस तरीके की काफ़ी इंटरनेशनल प्रेजेंस भी रहेगा मास्टर क्लासेस में इस बार। सुना है इस वक्त गोवा के लोगों का एक हर साल एक इल्ज़ाम रहता है कि उनको क्या सीन है जी। सो इस बार हमने स्पेसिफिकली टू गोवा फिल्म मेकिंग इंडस्ट्रीज़ हमने एक गोवन सेक्शन, मूवी सेक्शन हमने प्लान किया है जिसमें गोवा में ही गोवा के लोगों द्वारा बनाया हुआ सिनेमा ही दिखाया जाएगा। तो ऐसी कुछ मूवीज़ हमने शॉर्ट लिस्ट की हैं। इसी के साथ ही साथ हम स्पेसिफिक 4 मास्टर क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं फॉर गोवन फिल्म इंडस्ट्री जो कि वो पार्टिसिपेट करेंगे। ये भी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक सब्जेक्ट्स पे ऑर्गेनाइज की जाएंगी। साथ ही साथ फॉर लोकल पब्लिक एंड टूरिस्ट की जैसे डेलीगेट्स ही एंटर कर सकते हैं लॉट ऑफ स्क्रीनिंग्स को, या कुछ स्पेसिफिक फिल्म बाजार हैं जो रजिस्टर्ड पर्सन हैं वही कर सकते हैं। तो बाकी लोगों के लिए हम एक तो ओपन एयर स्क्रीनिंग का हर बार करते हैं। तो 3 लोकेशंस पे गोवा में हम करेंगे, जो ऑगस्ट पार्क है अल्तेनो में, मीरामार बीच पे, और साउथ में भी रविंद्र भवन मारगांव में हम प्लान करेंगे जिसमें कि बहुत पॉपुलर ब्लॉकबस्टर मराठी जो पॉपुलर मूवीज़ हैं उनको हम स्क्रीन करेंगे। साथ ही साथ हमारा कैरावान थिएटर भी इस बार रहेगा। 4 कैरावान्स विल मूव अराउंड गोवा, जो डिफरेंट डिफरेंट विलेजेस पंचायत्स में जाके वो अगेन पॉपुलर सिनेमा करेगा। इसी के साथ ही साथ इफी माइल और उसके आगे तक जो हमारा कंपाल तक वाला जितने प्रमाइसिस हैं उसमें विभिन्न प्रकार के हम एक्टिविटीज़ करेंगे, जो जैसे कि हमारा एंटरटेनमेंट जोन रहेगा, फूड स्टॉल्स हैं उसमें, बेवरेज के सेल्स हैं, उसके साथ ही साथ अम्यूज़मेंट पार्क है बच्चों के लिए जिसमें कुछ स्पेसिफिक करेंगे। इसी के साथ ही साथ एक हेरिटेज विलेज भी 15 से भी स्टार्ट हुआ है, जो भी CIA के ने मतलब उसको क्यूरेट किया है, स्पेयर हेड किया है, तो वो भी एक एडेड अट्रैक्शन रहेगा फॉर पब्लिक। फॉर टूरिस्ट हम कार्निवल और शिवमहोत्सव की एक झांकी भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सो ऑन डेजिग्नेटेड डेट्स 25th 27th हम लोग वो भी थोड़ा सा एक दिखाएंगे, सो दैट वी कैन इन्वॉल्व एज मैनी पीपल एज पॉसिबल इन द फेस्टिवल। कोविड के बाद इतने बड़े पैमाने पे आप आयोजन कर रहे हैं जी, कला अकादमी अवेलेबल नहीं है जी, इसकी खामी कैसे पूरी करना चाहिए जी? जो कला अकादमी हमेशा से एक बहुत ही, जिसे कहते हैं गोवा में कल्चर एंटरटेनमेंट का एक बहुत हॉटस्पॉट रहा है और हमेशा इन्वॉल्व होता था फॉर प्रीमियर्स और रेड कार्पेट्स के लिए हम उसका एक बड़ा ऑडिटोरियम यूज़ करते थे। सो पिछले एक आध सालों से बिकॉज इट वॉज नॉट अवेलेबल तो हमने आइनॉक्स पर्वोरियम के 4 स्क्रीन्स को भी हमने लिया हुआ है। हम आई थिंक वी आर होपफुल दैट नेक्स्ट ईयर से कला अकेडमी फिर से हमारे साथ जुड़ेगा और हमें वो आइनॉक्स पर्वोरियम के स्क्रीन्स को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आशा कर किया जाए कि हर वक्त जो टिकट के लिए मारामारी होती थी जी, वो इस साल किस हद तक कम हो जाएंगे, इसके लिए क्या इंतजाम? देखिए टिकट का तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ही होता है। हम लोग कोशिश ये करेंगे कि 2 दिन पहले जो टिकटिंग है
हमारा स्कड्यूल फ्रीज़ हो जाएगा, तो हम दो दिन पहले कोशिश कर रहे हैं कि टिकटिंग हम स्टार्ट कर देंगे. उसमें यूजली हमारा कोटा होता है, स्टूडेंट्स का होता है, मीडिया का होता है, अदर डेलीगेट्स का होता है, तो लास्ट मोमेंट पे हम सारा कोटा रिलीज़ कर देते हैं, जिससे कि कोई भी जो भी इंथुजियास्ट है, जिसको मन है, तो वो आके देख सकेगा. तो मेरा एडवाइस यही रहेगा कि एंड मोमेंट हमने कोई रश लाइन नहीं रखी, कोई वेट लाइन नहीं रखी है, जो बुक करेगा वही मूवी देखेगा, जिससे कि कोई केओस ना हो, कुछ भीड़ भाड़ ना हो, तो बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाए. तो मेरा यही रहेगा रिक्वेस्ट दैट प्लीज़ कीप विजिटिंग दी वेबसाइट एंड ऐप, सो दैट आपको जानकारी रहे कि कब कौन सी मूवी का टिकटिंग ओपन है, एंड आप अकॉर्डिंगली उसको बुक कर सकें. आखिर दो सवाल, पहला सवाल तो ये होगा कि हमने सुना इस वक्त स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल फिल्म मेकिंग का कोर्स यहाँ लिया जा रहा है, जीवन ये बेसिकली NFDC ही नहीं क्यूरेट किया है. इस बार हमारा फोकस थोड़ा है दिव्यांगजन पे. हम कुछ मूवीज़ भी ऐसी हैं जो ऑडियो विजुअली थोड़ा हमने उसको उस तरीके से किया है कि सब टाइटल्स हैं और उस तरीके का ऑडियो कंटेंट है, सो दैट एक इंक्लूसिव इफ़ी की तरफ हम बढ़ें. हमारे जितने थिएटर्स हैं दे आर ऑल्सो एक्सेसिबल इन टर्म्स ऑफ यू नो स्पेशली एबल्ड पर्सन्स, एंड तो ये जो मास्टर क्लासेस वगैरह हैं ये उनके लिए हैं, सो दैट अभी तक ऐसा होता है कि बिकॉज ऑफ सर्टन डिफिकल्टीज ऑफ कंटेंट अवेलेबिलिटी एंड ऑल्सो सच आप कह सकते हैं ट्यूटर्स जो कि मतलब ऐसे स्पेशली हाँ रिक्वायरमेंट्स वाले लोगों को प्रॉपरली पढ़ा सकें फिल्म मेकिंग स्पेशली, तो आई थिंक दिस इज एन अटेम्प्ट टू ऑफ NFDC टू मेक श्योर. क्या प्रोसीजर होगी, कैसे उनको जो भी आई थिंक वो रजिस्ट्रेशन इज विथ NFDC इसका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं जितनी भी उनकी मास्टर क्लासेस हैं, तो आई थिंक फिल्म बाजार सेक्शन में ही इसको किया हुआ है. ये स्पेशल लोगों के लिए जो जी जी जी, तो उससे उसके साथ कैसे जुड़ेंगे लोग, क्या प्रोसेस कैसे अवेल करेंगे? मैं एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता, लेकिन आई थिंक फिल्म बाजार के वेबसाइट पे आप इसको जानकारी इफ़ी की वेबसाइट में अवेलेबल है, जितनी भी जानकारी है वो अवेलेबल है. आखिरी सवाल पूछना तो नहीं है लेकिन फिर भी पूछ ही लेता हूँ कि कौन सेलिब्रिटीज आने वाले हैं, इनॉग्रेशन सेशन कैसा रहेगा, इसके बारे में कुछ बता पाओगे? बहुत जैसे मैंने बोला अभी गाला प्रीमियर्स में पूरी स्टार कास्ट अवेलेबल होगी. अजय देवगन हैं, तबू हैं, वरुण धवन, कृति सैनन, साथ ही साथ परेश रावल, बहुत बड़े बड़े कलाकार जो भी जिनकी स्क्रीनिंग्स हो रही हैं सब आएंगे. मास्टर क्लासेस में भी वी आर एक्सपेक्टिंग कि राइट फ्रॉम यू नो 70s टू 60s जितने भी कलाकार हैं वो सब इनॉग्रेशन में वरुण धवन, सारा अली खान, कार्तिक आर्यन, ये कुछ मतलब प्रोमिनेंट नेम्स हैं जो कि आई थिंक इंटरेस्ट करेंगे.